पौधे और प्राणी किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे और प्राणी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। सजीव प्राणी का जो पीएच का मुख्य रेंज होता है वो 7 से 7.8 होता है, लेकिन जो अनुकूल पीएच होता है वो मैंने आपको क्या बताया, वो 5 से 7 के मध्य में होता है। कब? जब शरीर का ताप आपका कितना होता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे जब शरीर का ताप रहता है, तो उसके लिए पीएच कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। इससे थोड़ा ज्यादा भी पीएच हो जाएगा तभी हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन उससे कम हो गया और बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने समझाया कि जीवन मुश्किल है। समुद्री सॉरी वर्षा का जल जो होता है उसका भी पीएच मान इस रेंज में आना चाहिए, 5.6। इससे अगर कम हो जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, जैसा आपने पीएच में पढ़ा है, तो आप कह रहे हैं कि इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड रेन कैसे हो गया? आपने बताया जो वर्षा है अगर उसके पीएच का मान 5.6 है या इससे थोड़ा सा ऊपर है तब तो वो सही है, लेकिन अगर 5.6 से कम आता है तो पीएच स्केल आपने पढ़ा था कि जितना ज्यादा पीएच घटता जाता है उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसी आधार पर पौधों के लिए जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए पीएच का मान कितना होता है, वो 4.8 होता है, नियमतः 4 से 8 के बीच में लिखा हुआ है, ये 4.8 के आसपास होता है। तो हर जरा से हमारे डेली लाइफ में पीएच का एक महत्व होता है, और ये पीएच कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 7 से होते हुए 14 के मध्य में जाएगा, और इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं। इधर आप किस रूप में रहते हैं हमेशा याद रखिए, ये क्षारीय प्रकृति होती है और इस तरफ क्या होता है आपका, अम्लीय प्रकृति होती है, और 7 के रेंज पर आपका विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। इस प्रकार हम पीएच का महत्व भी देखते हैं, आगे भी पीएच का क्या महत्व है ये देखते हैं। पाचन क्रिया में मैंने बताया ना एससीएल की मात्रा जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है, तो ये देखिए यहाँ पर एक एंटासिड मिलाते हैं, एसिडिटी जो आपकी बढ़ जाती है उस एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए आप उसमें क्या डालते हो, एक एंटासिड डालते हो, जो क्या है देखिए, एक उदाहरण मैंने जो दिया था वही है MgOH2, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसको मिलाने पर हमारा जो बॉडी के अंदर पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से होता है। इसके अतिरिक्त आपका एक और आता है टर्म, उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ, मुंह के अंदर जो लार या सलाइबा होता है जिसको हम सलाइबा कहते हैं, जिससे भोजन का पाचन होता है, उसके लिए जो पीएच रेंज होता है वो 5.5 या उसके पास होता है। अगर इससे कम हो जाता है, क्या अगर आपके पीएच का मान इससे कम हो जाता है, तो जो हमारे दांत में एक कोटिंग होती है ना उसका नाम क्या है, इनेमल, इनेमल क्या होता है, संक्षारित होने लगता है, यानी हमारे दांत में पानी लगने लगता है, हमारा दांत कोट हो जाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, यानी हम किसी चीज़ को उससे आसानी से चबा नहीं सकते हैं, बहुत तेज झंझनाहट होती है कुछ ठंडा पी लेने से या कुछ गर्म, नहीं बोलते हैं टीवी में भी ऐड आता है ना सेंसोडाइन का प्रचार करता है कि हाँ अगर कुछ सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर दांत में तो आप तेज झंझनाहट महसूस करते हैं, इसको हम सेंसिटिविटी सेंसिविटी कहते हैं। तो उसको किसकी वजह से वो बढ़ता है, जब इनेमल का लॉस होने लगता है तो हमें पानी लगता है, कुछ भी खाते हैं ऐसा पदार्थ खट्टा पदार्थ नहीं खा पाते हैं, तो उसके लिए पीएच का रेंज कितना होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका टर्म क्या है, अम्लीय वर्षा, 5.6 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा है। बॉडी को सरवाइव करने का पीएच रेंज क्या है, इसका मतलब बहुत जगह आपके पीएच का बेनिफिशियल टर्म है, और आपको इस तरह से पीएच को हमने पूर्ण रूप से समझाया, और पीएच की गणना कैसे करते हैं सोरेंसन के सूत्र के आधार पर भी हमने आपको समझाया। तो ये रहा आपका पीएच का एक कंप्लीट पोर्शन। इसके बाद आपका पोर्शन अगला आता है क्या, लवण, जिसको हम कहते हैं साल्ट, जिसका अध्ययन हम पहले से भी कर चुके हैं। लवण क्या है या साल्ट क्या है, इस टर्म को अब हम लोग समझते हैं। आपको पहले से भी पता होगा
अम्ल और क्षार जब परस्पर संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने से क्या होता है, लवण और जल बनता है। ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है, क्षार से कराई जाती है, तो लवण और जल बनता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा आपका क्षार, ये है अम्ल, ये है लवण और ये है जल। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ये आप पहले से भी जानते हैं। तो इस तरह से जो प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और भी दूसरे वैरायटी के भी लवण हम चाहे तो बना सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप नाइट्रिक अम्ल के साथ अगर क्रिया करा दें तो ये अपना लवण KNO3, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, और ये जल का निराकरण करता है। ये जल का 2 आपको यहाँ पर दिखाना होता है, H2O ऐसे करके। तो KOH और HNO3, अब ये क्या हो गया, आपका क्षार हो गया। इस क्षार को किससे आपने क्रिया कराया, अम्ल से। ये KNO3 आपका क्या है, लवण है, और ये क्या है, जल है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको पहले से ही इस टर्म में पढ़ा दिया है, इस वजह से ये आपने बताया लवण क्या होता है। तो आपको एक लाइन में बस लवण की यही परिभाषा देनी है, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, यानी ये ठोस के रूप में होगा, ये भी आपका ठोस के रूप में होता है, उसको हम लवण कहते हैं। और लवण की एक सबसे बड़ी विशेषता हम क्या बताते हैं, ये आयनिक ठोस जिसे आप क्या नाम देते हो, अभी जानते हो ना, लवण कहते हो, उनकी क्या विशेषता होती है, जल में या जलीय विलयन में आयनित होते हैं। क्या होते हैं, आयनित होकर आयन देते हैं। क्या देते हैं, ये आयन देते हैं, और इन आयन को क्या नाम आप देते हैं, धनायन कहते हैं और ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार से ये 2 प्रकार के आयन मुक्त करते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके आयनिक ठोस या लवण की। अगर किसी भी पदार्थ को आप लवण कहते हो तो वो जल विलयन में जा करके अपने प्लस और अपने माइनस में जरूर टूटेंगे। अब कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये NaCl है, अगर ये लवण है तो इसको अपने धनायन और ऋणायन में टूटना होगा। अगर ये KNO3 है जिसको हम लवण कहते हैं तो इसको भी अपने धनायन और ऋणायन में टूटना होगा। कैसे, आपको बहुत पहले से बहुत सारी रिएक्शन का कांसेप्ट क्लियर किया। NaCl अगर टूटेगा तो क्या देगा, Na पॉजिटिव देता है तो Cl निगेटिव देता है। अब जो आपका लवण KNO3 है वो टूटता है तो क्या देता है, ये किसमें टूटेंगे, जल में, ये जल में टूटेंगे। आपने अम्ल क्षार परिकल्पना भी पढ़ी तो है, अरेनियस की, ब्रांस्टेड लॉरी की। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में टूटकर धनायन और ऋणायन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अगर ये टूटेगा तो क्या देगा, के पॉजिटिव देगा और NO3 निगेटिव। इसी तरह बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे KCl को आप तोड़ के देखो तो क्या देगा, ये के पॉजिटिव देगा और Cl निगेटिव देगा। आप K2SO4 को तोड़ के देखो तो आपको क्या मिलेगा, 2 के पॉजिटिव आयन मिलेंगे, और सल्फेट पे आप बार बार जानते हो 2 ऋणावेश होता है। इसका मतलब जो लोग भी जल में टूटने के पश्चात धनायन और ऋणायन देते हैं वो सबके सब लवण के नाम से जाने जाते हैं। और हम आगे लवण के बारे में और भी विशेष रूप से जानेंगे कि लवण के बारे में क्या होता है, उनका प्रकार क्या होता है, वो कितने तरह के होते हैं। लवण जल में आयनित होकर धनायन और ऋणायन देते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने बहुत सारे लवण को आयनित किया और उनको धन और ऋण में तोड़ा, कुछ उदाहरण भी आपके सामने दिखाया जाता है। NaCl देखिए, Na प्लस और Cl माइनस देता है। अब आपका K2SO4 है, देखिए पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन देता है। ZnSO4 है, जिंक आयन और सल्फेट आयन देता है। ये पूरी अभिक्रिया किसमें होती है, जल में। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अरहेनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था।